दो हो गई अपने प्रमाण और न्याय। तीसरा क्या है? निक्षेप। निक्षेप किसे कहते हैं? लोक व्यवहार का जो कारण होती है उसको निक्षेप कहते हैं, जो लोक व्यवहार में अपने काम आता है। लोक व्यवहार मतलब जैसे जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने कहा कि अभी छोटे लाल जी आ रहे हैं, अब वो छोटे लाल जी नाम के आदमी आ रहे हैं कि एक छोटा व्यक्ति आ रहा है क्या? जैसे अपन के मतलब लक्ष्मी बाई आपके घर में आपकी सेवा करती है, लक्ष्मी बाई तो इनके घर में सेवा करती है, तो इसके अर्थ दो निकल सकते हैं। लक्ष्मी बाई नाम की बाई है जो इनके घर में काम करती है, और लक्ष्मी इनके घर की सेवा करती है, इसका क्या अर्थ है कि इनके घर में पैसा खूब है। अब अपन पूछेंगे ना किस अपेक्षा से? नाम निक्षेप से मतलब कि लक्ष्मी नाम की एक महिला इनके घर में काम करती है, और नाम ना निक्षेप ना हो भाव निक्षेप हो, तो भाव निक्षेप का मतलब है कि लक्ष्मी नाम लक्ष्मी का जो गुण है वो इनके घर में विद्यमान। तो लोक व्यवहार में अपने को ये समझना बहुत जरूरी है, कोई भी नाम किसी ने दिया तो वो किस अपेक्षा से दिया? वो केवल नाम मात्र है, स्थापना रूप है, द्रव्य रूप से है कि भाव रूप से? क्योंकि ऐसे लोक व्यवहार बहुत चलता है शाब्दिक व्यवहार, तो अपने को समझना बहुत जरूरी है कि वो किस अपेक्षा से। जैसे भगवान महावीर स्वामी विराजमान, तो भगवान महावीर स्वामी विराजमान एक कौन से निक्षेप से, किस अपेक्षा से? कि हमने प्रतिमा में भगवान की स्थापना की, तो स्थापना निक्षेप से भगवान। कोई इनको वास्तविक भगवान समझेगा तो ब्रह्म में रहेगा। जब भगवान महावीर स्वामी बाल्य अवस्था में थे तब भी उनको उनका जन्माभिषेक किया, तो वो उस समय भी लोगों ने उनको उनके अंदर क्या देखा जिससे उनका जन्माभिषेक किया? आगामी भगवान देखे ना उनमें, तो द्रव्य अपेक्षा से हम उसको द्रव्य निक्षेप कहते हैं, कि जो आगामी काल में जो कोई बनने वाला हो उसको आज वैसा देखना, वो कौन सा निक्षेप है? द्रव्य निक्षेप। जैसे समझ लो कोई प्रधानमंत्री बनने वाला हो, अपने पता नहीं कौन बनेगा है, क्योंकि उदाहरण के लिए कोई बनने वाला हो ऐसा है, तो अपन आज से उसको ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री श्रीमान सो एंड सो। तो ये कौन सा निक्षेप हुआ? द्रव्य निक्षेप, माने जो काल जो बात भविष्य में घटने वाली है उसको आज ही वैसा कह देना ये द्रव्य निक्षेप। जो राजा बनने वाला है अभी राजकुमार है उसको राजा कहना ये कौन से निक्षेप से? द्रव्य निक्षेप। और राजकुमार राजा को राजा कहना ये भाव निक्षेप। और किसी प्रतिमा आदि में राजा की स्थापना करना ये स्थापना निक्षेप। और किसी का केवल नाम रख देना राजा, कई के नाम भी रहते हैं राजा, तो राजा आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं, तो अपन समझे सच्ची के राजा हट गए, ये आ रहा था क्या है? इधर राजा है तो हम भी तो यही कह रहे थे राजा आ रहे हैं, तो राजा आ रहे हैं, राजा आ रहा है, तो नाम निक्षेप से कह रहे थे तुम, और हम क्या समझे? भाव निक्षेप से। तो इसलिए ये लोक व्यवहार में अपने को कौन सा निक्षेप है ये समझ जाएंगे नहीं तो बहुत गड़बड़ होगी। इसलिए निक्षेप जो है अपने को लोक व्यवहार में छत्र बनाता है, ये बताता है कि भाई यहाँ पे अपने को नाम लगाना है, स्थापना लगाना है, द्रव्य लगाना है, भाव लगाना है। जैसे भगवान महावीर, ये भगवान महावीर किसी का नाम रख दिया अपन, ये क्या केवल हुआ? नाम निक्षेप। प्रतिमा में भगवान की महावीर की स्थापना करना स्थापना निक्षेप। राजकुमार वर्धमान को महावीर कहना द्रव्य निक्षेप, और साक्षात भगवान महावीर स्वामी को भगवान महावीर कहना भाव निक्षेप। जैसे कि ये जो दिख रहे हैं ना आपको किसी पार्टी के अंदर अपन किसी ऑफिस में गए, ये सब विधायक है, भावी विधायक है, ये कौन से निक्षेप से कहा ऐसे विधायक? द्रव्य निक्षेप। और जब बन गए उनको विधायक कहना ये भाव निक्षेप। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ये सब शुद्ध बैठे हैं, ये कौन से निक्षेप से? द्रव्य निक्षेप। और वो सिद्ध भगवान की प्रतिमा में सिद्ध भगवान देखना वो कौन सा निक्षेप है? विस्तार। और किसी का नाम रख दो सिद्ध, अनियंत नाम रख दो तो नाम निक्षेप। ऐसे चार प्रकार के निक्षेप ये लोग व्यवहार में काम आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि न प्रमाण का, न नय का, न निक्षेप का, इन तीनों का उद्योग माने प्रकाश
अनुभव के काल में दिखाई नहीं देता। द्रव्य ज्ञान सुख बल में सदा में आम भाव जो मूर्खे, माने मुझे अपने में द्रव माने दर्शन, ज्ञान माने ज्ञान, सुख माने सुख और बल में माने वीर शक्ति। द्रव्य ज्ञान सुख बल में सदा नहीं आन, आन मतलब अन्य भाव माने भाव जो मोह विखे मेरे में, माने मेरे में मुझे अपने में दर्शन ज्ञान सुख वीर इनके अलावा अन्य कोई भाव नहीं दिखता। मुझे अपने में रागादि भाव नहीं दिखाई देते। अरे और तो और ये इनके विकल्प ये मतलब आत्मगुणों के अलावा मुझे और कोई चीज अपने में भाषित नहीं होती, भाव भाव भी मुझे भाषित नहीं होते। मेरे को अपने में केवल क्या दिखता है, मैं तो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख और अनंत वीर में। अरे समझ नहीं आ रही, अनुभव के काल में मुनिराज जब आत्मा का अनुभव करते हैं तो उस काल अपने को कैसा अनुभव करते हैं कि मैं अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर स्वरूप हूँ और कोई भाव मेरे में नहीं है। ये रागादि विकारी भाव स्पर्श रस गंध वर्ण के भाव ये सब मुझ में नहीं है। तीसरा देखो, तीसरी पंक्ति, मैं साध्य साधक, मैं साध्य में साधक, मैं ही साध्य हूं और मैं ही कौन हूं साधक हूं। मैं अबाधक, मैं अबाधक हूं माने मेरे में उससे बाधा नहीं पड़ती। कैसे, कर्म अनु तसु फल निते, कर्म से और कर्म के फल से तीन प्रकार की चेतना होती है। सुनिए आपने कौन कौन सी चेतना, तीन चेतनाओं के नाम याद है, एक तो थी ज्ञान चेतना, एक कर्म चेतना और एक कर्म फल चेतना। जो केवल कर्म फल को भोगते हैं जिनमें कुछ भी मन आदि नहीं होता, विचार करने की शक्ति नहीं होती, केवल कर्म के फल को विचार निरंतर भोगते हैं उन्हें कर्म फल चेतना कही जाती है। एक इंद्र जीव है ना, एक इंद्र जीवों की कर्म फल चेतना। और हम आप लोग कर्म के फल को भी भोगते हैं, स्वयं भी कर्म बात बुद्धि से कर्म करता है कुछ ना कुछ भला बुरा। अपने को दो चेतना है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। और जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी होते हैं उनके एक ही चेतना होती है, कौन सी, ज्ञान चेतना। लेकिन उनके भी ज्ञान चेतना वैसे तो दो और है लेकिन वो मुख्य नहीं, गौण है। मुख्य क्या है उनके, ज्ञान चेतना। और अनंत भगवान के प्योर एकमात्र कौन सी चेतना है, ज्ञान चेतना, सिद्ध भगवान की ज्ञान चेतना। तो ये जो जो मुनिराज है जो अपने आत्म ध्यान में लीन है वो इस काल ये अनुभव करते हैं कि ये जो कर्म है और कर्म के फल है ये मेरे को बाधा उत्पन्न नहीं करते, मैं इनके रस को भी नहीं भोगता, मैं इनकी चेतना को नहीं भोगता। माने मैं कर्म में और कर्म के फल में नहीं चेतता हूँ, मैं तो किसको चेतता हूँ, किसका अनुभव करता हूँ, ज्ञान का, ज्ञान चेतना वाला हूँ। मैं ज्ञान को भोगता हूँ, कर्म और कर्म के उदय को नहीं भोगता। कर्म का उदय कर्म में है क्या, मैं तो कायम बसता हूँ ज्ञान। इस प्रकार वो कर्म कर्म फल को चेतना को न भोगते हुए अकेले ज्ञान चेतना को भोगते हैं। इसलिए कहा अबाधक, मैंने कर्म और कर्म के फल से अबाधक हूँ, कर्म और कर्म का फल मैं बाधा उत्पन्न नहीं करता, वो मेरे को कोई फल नहीं देता। मेरे को, मैं तो अपने ज्ञान को भोगता हूँ तो कर्म मेरे को फल कैसे देगा। यदि मैं शुभ अशुभ कर्मों के फल में भोग कर उसको रंजायमान हूँ तो मैं कर्म फल चेतना को भोगने वाले खिलाफ हूँ। जैसे समझ लो अपने बैठे तो किसी का ध्यान बाहर के गाने पे जाए, बहुत बढ़िया बज रहा, तो वो किसको भोग रहा है, गाने। और गाना क्या बज रहा है क्या नहीं बज रहा है किसी को कान में भी नहीं जाए, तो उपयोग पूरा कायम रहे इसमें, तो अपन क्या कहेंगे, कौन सी चेतना, उसको ज्ञान चेतना। मैंने संसार में पुण्य पाप के उदय तो सबको आते हैं लेकिन जो उस पुण्य पाप के फल को ना भोगते हुए अपने ज्ञान स्वभाव को भोगता है तो उसको ज्ञान चेतना कही जाती है। और जो कर्म के फल को भोगता है अथवा कर्म करने में लगा रहता है मैं सुबह शुभ कर्म करूँ तो उसको कर्म और कर्म फल चेतना होना कहा जाता है। तो यहाँ के लिए न तो मेरे को कर्म चेतना बाधा पहुँचाती है क्योंकि मैं तो अपने ज्ञान में लीन हूँ और ना कर्म का फल मेरे को कोई
बाधा पहुंचा सकता है, क्योंकि मैं कर्म के फल को भोगता ही नहीं ना, कर्म का फल पुद्गल में आता है, आए तो आए। मुनिराज जब आपको ध्यान में लीन होते तब उनके शरीर में बोले कोई शियालगी खाने आए तो आए, या कोई अर्घ चढ़ाने आए तो अर्घ चढ़ाने आए, कोई तलवार से मारने आए तो तलवार से मारने आए। मतलब हम वो जो आया है कर्म का फल हम उसको नहीं भोग रहे हैं, हम तो किसको भोग रहे हैं, अपने ज्ञान स्वभाव को भोग रहे हैं। इसलिए उसको कहा अबाधक कर्म और उसके फल से वो क्या है अबाधक। और तीसरी बात चौथी पंक्ति में कहा चिदपिंड, कैसे चैतन्य के पिंड है, चिदपिंड चंड, चंड मतलब निर्मल ऐश्वर्यवान, चंड कहते हैं ना प्रचंड, चंड और प्रचंड, प्रचंड माने अत्यंत तीव्र, चंड भी माने मतलब बहुत ऐश्वर्यवान, प्रचंड है माने महान है, तो अत्यंत ऐश्वर्यवान को कहा है यहाँ पे चंड। तो कौन सा ऐश्वर्य है, चित्तपिंड, चित्तपिंड चंड माने चैतन्य ज्ञान का ऐश्वर्य है, और ज्ञान का पिंडों में, ऐसा नहीं ज्ञान किसी एक अंश में हो, मेरे सर्वांग में क्या है ज्ञान ही ज्ञान से, ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान ही ज्ञान से मैं लबालब लबालब, मेरा एक भी प्रदेश आत्मा का ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञान न हो। जैसे घी, ठंड में घी का ठोस क्यूब बन जाता है, घन देखा आपने कभी, ठंड में हाथ देखो तो घी का अच्छा घन बन जाता है, जैसे अच्छे बर्फ के बर्फी जितने आकार में उसका घी बन जाता आराम से आप काट भी सकते हो उसमें, या अपने वो सांप सीढ़ी की गोट खेलते हैं ना, मतलब तो वो जो घी से खेलते हैं वो क्या कहलाता है क्यूब स्लाइस कहते हैं, क्या कहते हैं डाइस, तो वो जो डाइस का जो आकार है उस आकार को अपन क्या कहते हैं क्यूब, क्योंकि उसकी लेंथ विड्थ और हाइट समान क्यूब है वो एक्चुअली, तो जो क्यूब होता है बिल्कुल ठोस होता है अंदर, उसमें जगह नहीं होती इतनी सी। ऐसे घी, घी जब ठहरता है ठंड में तो पूरा ठोस होता है, उसमें एक प्रदेश की भी अंदर खाली जगह नहीं होती है, ये तो ठोस नहीं बन पाता। अथवा लोहा होता है, लोहा एकदम ठोस होता है, जैसे एक किलो का लोहा है तो हम उसको क्या हाथ से मार दो हाथ टूट जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा। जब ओलापन होता है तो वो आप तोड़ो तो टूट जाता है, रुई में मारो हाथ तो चलिए रुई में बहुत जगह खाली मिल जाएगी। तो मैं क्या हूँ चैतन्य का पिंड हूँ, चंड हूँ मैंने चेतना गुण से पूरा भरा हुआ हूँ, आत्मा का ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है जहाँ चेतना गुण ना हो। तो मैं चैतन्य का पिंड हूँ और चैतन्य पिंड रूप महान ईश्वर से भरा हूँ, और कैसा हूँ मैं अखंड हूँ, खंड खंड नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे बहुत सारे खंड है, एक ज्ञान खंड है, दर्शन है, सुख है, वीर है, ऐसे अनेक खंड वाला नहीं, मैं एक अखंड आत्मा एक हूँ, अखंड हूँ, चित्तपिंड चंड अखंड, और कैसा हूँ सुगुण करंड, करंड किसे कहते हैं, करंड है पिटारा, रत्न करण, रत्नों का पिटारा, तो ऐसे सुगुण करंड माने अच्छे अच्छे गुणों का पिटारा, कौन है अच्छे गुणों का पिटारा, मैं। ऐसा मुनिराज अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते हुए सोचते हैं, विचार करते हैं, जब आत्मा में लीन होते हैं तो ये उनके ये विकल्प चल, मतलब इस प्रकार का ध्यान चलता है कि मैं तो अनंत गुणों का क्या हूँ पिटारा हूँ, सुगुण करंड चुत पुनि कलिन ते, और मैं पुनि कलिन, कलिन माने मेल, कलिन माने कालिमा, मेल गंदगी, तो मैं इन सब गंदगियों से चुत हूँ माने रहित हूँ। कौन कौन सी गंदगियों से, तीन प्रकार की गंदगी होती है, कौन कौन सी, मोह राग द्वेष भी कह सकते हैं, अथवा द्रव्यकर्म भावकर्म और नौकर्म। द्रव्यकर्म किसे कहते हैं, हाँ बताया ना किसने किसने बोला, ज्ञानवर्णादि, हाँ ज्ञानवर्णादि आठ कर्मों को द्रव्यकर्म कहते हैं। भावकर्म किसे कहते हैं, मोह राग द्वेष भाव को भावकर्म कहते हैं, और नौकर्म शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले अन्य पदार्थों को नौकर्म कहते हैं। तो ये तीनों कालिमा है, सिद्ध भगवान में तीनों नहीं है, न द्रव्यकर्म है, न भावकर्म है, न नौकर्म है, अपने में कितने हैं, आप में क्या क्या है, तीनों ही है ना अपने में, तो द्रव्यकर्म भी है, आठों कर्म है कि नहीं, मोह राग द्वेष भाव है कि नहीं, शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले अन्य पदार्थ भी, तो तीनों है।
अनंत भगवान में क्या क्या है? तीनों ही नहीं है, क्या क्या है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म में से क्या क्या है? आधे हैं, आधे में चार है, चार, लेकिन वो चार ही महीने जो चले गए, अब तो जो है वो नाम मात्र के, तो द्रव्य कर्म है उनके, और लेकिन नहीं जैसे ही है समझ लो, भाव कर्म उनके हैं, भाव कर्म उनके बिल्कुल भी नहीं है, और नौ कर्म उनके पूरा है, नौ कर्म पूरा है, भाव कर्म बिल्कुल नहीं है, और द्रव्य कर्म में देखा जाए तो चार अनादि कर्म चले गए, चार अघाती कर्म उनके शेष है। तो मैं कैसा हूं? मैं अनंत के समान हूँ कि सिद्धों के समान हूँ? सिद्धों के समान होने से कहा कि मेरे में कोई प्रकार की कालिमा नहीं है, और अनंत में तो सिद्धि बनते हैं ना, आगे चलते अपने स्वरूप को प्रकट करके सिद्धि बनते हैं। तो चुत पुनि कलंक थे मैंने में समस्त कालिमाओं से, कर्म कलंक से कैसा हूं? मैं रहित हूँ, अशुद्धता से मैं रहित हूँ। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हुआ इस पूरे दोहे का। प्रमाण मैं निक्षेप का उद्योग अर्थात प्रकाश, यही कहीं प्रकट व्यक्त, तो प्रमाण मैं निक्षेप वो अनुभव के काल में दिखाई नहीं देते, प्रकट नहीं होते, माने प्रकट नहीं होते माने उनके विकल्प नहीं सताते, नए का विकल्प मैं निश्चय नहीं से नित्य हूँ, व्यवहार नय से अनित्य हूँ, द्रव्यार्थिक नय से एक हूँ, पर्यायार्थिक नय से अनेक हूँ, ऐसे विकल्प अनुभव के काल में नहीं होते। अनुभव के काल में तो क्या होता है, एक अनुभूति होती है। ये सब विकल्प कब थे? समझने के लिए। क्या जैसे किसी लड़के की शादी होनी होगी तो शादी होने के पहले अपन सब विकल्प करते हैं कि कैसा है, इसके घर में कौन कौन है, क्या है। अब जब शादी हो रही हो, फेरे पड़ रहे हो, तब घर में कौन कौन कमाता क्या है? बेटा ये तो सब पहले पूछना था, अब तुम पूछ रहे हो यहाँ पे आके क्या? मेरे को सच्ची की घटना है, एक व्यक्ति ने फोन किया मेरे को, बोला हमने अपनी लड़की की सगाई उससे कर दी है, आपको लड़का कैसा पसंद है कि नहीं? मैंने कहा नहीं पसंद होगा तो क्या तोड़ लोगे? पसंद होगा तो क्या कर लोगे? अब तो हो ही गई है ना, अब विकल्प करने से क्या है? यदि तुमको पूछना था तो पहले पूछना था, अब पूछने से मतलब क्या है? अब यदि पूछोगे तो तुम्हारे दिमाग में टेंशन हो जाएगा खड़ा, इसलिए अब तो जो है सब बहुत बढ़िया है, तो ये सब बात छोड़ दो। अपने कोई चीज़ खरीदना है, बाजार में अपन खरीदने गए, खरीद लाए, और खरीद लाने के बाद में अपन क्या करते हैं, बाद में उसके पहनने का सुख भोगते ना। मैंने एक कपड़ा पहन रखा, अब रोज ये सोचू अरे इसमें तो थोड़ा मैं ज़्यादा दे आया पैसे, क्या पता कैसा है। अब जो भी है सर, यदि ये सब विकल्प में करूँगा तो मैं इस कपड़े के पहनने का आनंद नहीं भोग सकता। ये सब विकल्प कब किए जाते हैं? जब लेने जाते हैं अपन तो अच्छे से देखते हैं, 10 बार देखते हैं, ये करते हैं, पैसे के बारे में भी सोचते हैं, सब बातें सोचते हैं। कोई हीरा भी खरीदना हो, रत्न पहनना हो अपने को समझ लो, डायमंड का कोई हार लेके आना हो, तो हार खरीदने के पहले हार के बारे में पूरी तलाश करते हैं, सब चीज़ पता कर लेते हैं, डिज़ाइन पसंद कर लेते हैं। एक बार पसंद आ गई चीज़ पहन ली, फिर उसके बाद में अपन वो सब विकल्प करते हैं कि पहनने का सुख भोगते हैं, तो पहनने का सुख भोगता, फिर विकल्प करेगा तो पहनने का सुख नहीं होगा। पहनने के काल में तो पहनने का सुख भोगा जाता है। ऐसे आत्मा को समझने के लिए प्राथमिक अवस्था में सब विकल्प कालकारी है, सब विकल्प आए बिना रहते नहीं होते, लेकिन जब अनुभूति होती है तो अनुभूति में ये सारे विकल्प अपने आप दूर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अनुभूति के काल में विकल्प नहीं होते, क्योंकि विकल्पों से उसको समझ लिया, और समझ के तब उसका क्या कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। तो जब भोग करते हैं तब विकल्प नहीं होते, जब तक विकल्प चलते हैं तब तक भोग नहीं होता। जब तक अपन किसी वस्तु का विकल्प कर रहे हैं, खरीदने वाले की दुकान पर खड़े हैं, जब तक सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तब तक अपन ने उसके पहनने का सुख नहीं भोगा है। और जब अपन ने खरीद लिया है और पहन लिया है तो अब विकल्प नहीं कर रहे हैं, अब पहनने का सुख भोग रहे हैं। ऐसे जब तक हम आत्मा का निर्णय कर रहे हैं तब तक अनुभूति नहीं, लेकिन वो कार्यकारी है, और जब अनुभव कर रहे हैं
तो उस समय कोई विकल्प नहीं है, उस समय तो मात्र आत्मा का अनुभव कर। तो ये यहाँ ये बात है इन तीनों श्लोकों में कि ये सब चीज़ें विकल्पात्मक, जो भी विकल्प है सब पहले की भूमिका में होते हैं और अनुभव के काल में सब विकल्प भी समाप्त हो जाते हैं, वो तो एकमात्र आत्मा का अनुभव करता है। क्योंकि उसने ये सब चीज़ें समझी क्यों थी, अनुभव करने के लिए, अनुभूति हो गई तो अब वो ये सब चीज़ों में अपना उपयोग नहीं लगाता, मैंने इसके विकल्प में उसको उपयोग जाते ही, विकल्प तो निर्विकल्प होने के लिए किए थे, जब निर्विकल्पता की अनुभूति हो गई तो वो सब विकल्प क्या हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। ये बात है प्रमाण में निक्षेप को न उद्योग बने उनका उसका जो है प्रकाश अनुभव में दिखाई नहीं देता। मैं कि अपने आप को जीव कैसा देखता है, मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीरमय हूँ, और कैसा हूँ मैं ऐसा सदा काल हूँ, और मेरे में इनके अलावा अन्य कोई भाव मुझे मेरे में दिखाई देते नहीं, मेरे में स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब भाव मुझे अपने में दिखाई नहीं देते, और तो मुझे अपने में रागादि भाव भी नहीं दिखाई देते, गुण भेद भी नहीं दिखता, मैं तो एक अभेद आत्मा का अनुभव करता हूँ, ऐसी अनुभूति काल में अनुभूति होती है। मैं साध्य, मैं ही साध्य हूँ, मैं ही साधक हूँ, कोई अन्य नहीं है मेरे से भिन्न, मैंने भगवान मेरे लिए साध्य और मैं साधक ऐसा नहीं है, मैं ही साध्य हूँ और मैं ही साधक हूँ, और कैसा हूँ मैं कर्म और उसके फल से अबाधक हूँ, मैंने मैं कर्म और कर्म के फल को नहीं भोगता, मैं तो अपनी ज्ञान चेतना को भोगता हूँ, और मैं कैसा हूँ चैतन्य का पिंड हूँ और अत्यंत वैभववान हूँ, उस चेतना रूपी गुण से प्रकाशित हूँ, चेतना मेरा ऐश्वर्य, ज्ञान मेरा ऐश्वर्य, और मैं अखंड हूँ, खंड खंड नहीं हूँ, अनंत गुणों का पिटारा हूँ और समस्त अशुद्धता से रहित हूँ, ऐसा मुनिराज ध्यान के काल में चिंतन करते हैं। ठीक है, अब इसकी दो पंक्तियों में पढ़ता हूँ आगे, क्यों मेरे को बहुत पसंद है। यों चिंतन निज में थिर भए तिन शर्क अखत जो आनंद लयो सो इंद्र नाग नरेंद्र मां अहम इंद्र के नाही कर। यों चिंत इस प्रकार का चिंतन करते हुए निज में थिर भए, कहाँ पे स्थिर भय, निज में अपने आत्मा में स्थिर हो गए। तिन अखत जो आनंद लयो, उन्होंने जो आनंद लिया वो आनंद अकथ, अकथ माने अकथनीय है, कहा नहीं जा सकता, माने जो मुनिराज इस प्रकार का चिंतन करते हुए जब वो निज में स्थिर हो जाते हैं और उस काल में जो आनंद को भोगते हैं वो आनंद को शब्दों द्वारा कहा नहीं जा सकता। कि सब किसी की तुलना करके बता दो कैसा होगा उनको, सब समझ लो अपन जैसा जैसा अपन टीवी देखते हैं वैसा सुख होगा, कुछ खाते हैं वैसा सुख होगा, पांच इंद्रिय के विषय सुख भोगते हैं क्या वैसा सुख होगा, और पांच इंद्रिय के विषय सुख कौन भोगते हैं, इंद्र नरेंद्र अमिंद्र, तो उनके जैसा सुख होगा मुनिराज, तो उसके लिए अगली पंक्ति लिखी सो इंद्र नाग नरेंद्र इंद्र को नाही कयो, तो ऐसा सुख न इंद्र को कहा है, नागेंद्र, नागेंद्र माने नागों के इंद्र, नाग कुमार असुर कुमार उनको भी वैसा सुख नहीं है, और नरेंद्र, नरेंद्र कौन होता है, नरेंद्र किसे कहते हैं, हिंदी थोड़ी पढ़ी होगी ना, हिंदी हिंदी आती है कि नरेंद्र किसे कहते हैं, नरेंद्र, नरेंद्र किसे कहते हैं सुमित जी, नरेंद्र किसे कहते हैं, चक्रवर्ती, और नरों का इंद्र कौन होता है, चक्रवर्ती है, राजा भी कहा जा सकता है, नर माने मनुष्य, नरों का इंद्र माने मनुष्य का राजा, इंद्र नरेंद्र राजा है, चक्रवर्ती ऐसे क्या कहते हैं अपन, नरेंद्र, किसी के नाम निक्षेप की अपेक्षा नहीं कर रहा है, सचमुच के राजा की बात कर रहे हैं, तो मनुष्यों का जो राजा है इंद्र है वो नरेंद्र है, चक्रवर्ती मनुष्यों में सबसे उत्कृष्ट होता है इसलिए नरेंद्र चक्रवर्ती को कहा जाता है। नरेंद्र और इंद्र
इंद्र माने जो वैमानिक वासियों का देव है, और नागेंद्र माने असुर कुमारों का देव है। तीन लोक के इंद्र ले लिए यहाँ पे। उर्ध लोक का इंद्र कौन है? सोदर इंद्र, इंद्र। अधोलोक का इंद्र नागेंद्र, मध्य लोक का इंद्र नरेंद्र। तो तीन लोक के जो राजा है उनको भी रेशासुक नहीं कहा। जैसा सुख मुनिरा निज में स्थिर होके भोगते हैं, वैसा सुख न इंद्र को है, न नागेंद्र को है, न नरेंद्र को है। चलो इंद्र नाग नरेंद्र को नहीं होगा, हम इंद्र को होगा, क्योंकि हम इंद्र को किसी के ऑर्डर में नहीं रहना पड़ता। ना हम इंद्र किसी पर ऑर्डर चलाता है, ना उसके ऊपर किसी की चलती है, सब अपने अपने इंद्र होते हैं, इसलिए उनका नाम होता है अहम इंद्र। अहम इंद्र को ऐसा सुख होगा। सोलह स्वर्ग के ऊपर जो अहम इंद्र है वो जरूर बहुत सुख भोगते होंगे। तो कहते हैं कि वो अहम इंद्र के भी वैसा सुख नहीं कहा है। सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही कहो। क्या नहीं कहो? तीन अखत जो आनंद लयो। जैसा आनंद इस प्रकार का चिंतन करके, यो चिंत निज में स्थिर भय, इस प्रकार का चिंतन करके जो निज में स्थिर हो गए और उन्होंने जो आनंद लहा प्राप्त किया, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही कहो। जैसा सुख तो इंद्र नाग नरेंद्र और अहमिंद्र के भी नहीं कहा गया है। लेकिन कितनी जोरदार मूर्ति, अनंत चक्रवर्तियों का सुख और मुनिराज का एक समय का सुख, मुनिराज का, तो मुनिराज के एक समय का सुख का अनंत भाग भी अनंत चक्रवर्तियों का सुख नहीं है। शास्त्र में आता है कि तीन तीन काल के सारे पुण्यवानों को इकट्ठा कर लिया जाए, जितने पुण्यशाली जीव है, तीन काल में जितने भी चक्रवर्ती होंगे इन सारे चक्रवर्तियों को इकट्ठा कर लो, और इनके सारे सुख को इकट्ठा कर लो, इन सारे चक्रवर्तियों का सुख इकट्ठा होने पर भी मुनिराज के एक समय के सुख की बराबरी नहीं कर सकते। इतना निराकुलता का आनंद, ये तो आकुलता का दुख है। वास्तव में तो उन दोनों की एक दूसरे से तुलना ही नहीं, क्योंकि चक्रवर्ती के सुख तो दुख है और मुनिराज का सुख वास्तविक सुख है। अच्छा एक बात बताओ, कितने देशों की दवाइयां एक निरोगी के सुख की बराबरी कर सकती है? अच्छा मेरे जर्मन की दवाई पड़ी है घर में, जर्मन की है, अमेरिका की है, इंग्लैंड की है, चाइना की भी है, रूस वालों की है, क्या कनाडा वालों की है, और कौन कौन से अच्छे अच्छे देश है सब जितने भी दुनिया भर के, स्विट्जरलैंड की है, मेरे पास इतनी सारी दवाई है एक से। और दूसरा कहे बीमारी नहीं, सुखी कौन है ज़्यादा? एक को अच्छी अच्छी दवाई मिलती वो, कि एक को बीमारी नहीं है वो? तो सिद्ध भगवान सहज सुखी है, उनको विषयों का रोग ही नहीं। ये सब तो रोगी है, इंद्र रोगी है, यदि रोगी नहीं होता तो विषयों में रमण क्यों करता? बिना रोग के दवाई लेगा ऐसे ही ले रहे, ऐसे कौन लेगा? तो ऐसे ही बिना इंद्रिय विषय के रोग के वो इंद्रियों में प्रवृत्ति क्यों करता? खा रहा है तो उसका मतलब उसको भूख है कि नहीं? भूखे वो रोग है, उसकी शक्ति पटरानी है शची, तो उसकी इंद्राणी है ना, इंद्राणी के साथ में जो भी भोग भोग करता है तो वो उसको उस जाति की विषय की इच्छा है कि नहीं है? देखने की इच्छा है, सुनने की इच्छा है, खाने की इच्छा है, तो इच्छा के बाद में उसको विषय भोग मिल गए तो अपन उसको सुखी कहा? तो जिनको इच्छा ही नहीं है वो सुखी है कि जिनको मिल रहा है वो सुखी है? इच्छा ही नहीं, पीड़ा ही नहीं है तो उनको वो पीड़ा नहीं है, और ये सब पीड़ित लोग है। अब पीड़ित से अपन बिना पीड़े वाले की कंपेरिजन कर रहे हैं, तो अपन ने कहा चलो ठीक है, हजारों पीड़ित पीड़ित आदमियों को सब सामग्री मिल गई, माने जिसके हार्ट का रोगी है और A1 जिसको दवाई मिली, तो वो उसकी तुलना में तो अपन के लिए ऐसे एक दो हार्ट पेशेंट नहीं, ऐसे अनंत हार्ट पेशेंट से भी एक निरोगी सुखी, तो स्वाभाविक सुखी होगी ना। ऐसे अनंत चक्रवर्तियों के वैभव से, अनंत चक्रवर्तियों से, अनंत इंद्रों से और अनंत अहमिंद्रों से मुनिराज का वो सुख अनंत गुना है, तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुनिराज का वो सुख पारमार्थिक वास्तविक सुख है, आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुआ है। और ये सब तो बीमार लोग, अभी वो चक्रवर्ती है,
जिस भी चीज का भोग कर रहा है वो चीज चली गई, रोने बैठ जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चक्रवर्ती का सुख पराधीन है और मुनिराज का सुख स्वाधीन है। मुनिराज अपने आत्मा के आशा से सुख भोगते हैं, चक्रवर्ती तो सामग्री का सुख भोगता है। सामग्री में तो पराधीनता है, आकुलता है, किसी चीज को खा रहे बहुत मजा। सो इंद्र नाग नरेंद्र आदि, अब खाते खाते किसी ने कहा ये जो तुम पी रहे हो ना इसे कैंसर हो जाता है, इससे बिल्कुल पक्के में 100%। अच्छा तो वो गले में जाते जाते कि मेरे को तो थोड़ा पहले से ही कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी दिख रही है क्या? किसी हार्ट अटैक वाले को अगर बोल दो, जिसको हार्ट का अटैक है ना, कि ये जो चीज तुम खा रहे हो ये कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ाता है, तो वो खाते खाते उसके हाथ रुक जाएंगे क्या? कोई भी चीज है अपन जैसे उसका बताएं, जैसे कोई आदमी खाना खाने बैठा है कि भाई मैं तो रसोई में आया हूँ यहाँ आपसे, और ये जो रसोई बनी है तुम्हारी पैसे से बनी है, तो वो ये सारे जो सुख है संसार के, ये सारे सुख मैंने प्रतिपक्ष सही थे, इनको कोई भी दुख की घड़ी इनके सारे सुख को समाप्त कर सकते, कोई भी बात। मैंने एक दो उदाहरण दिए तो मैंने संसार के सारे सुख प्रतिपक्ष को लिए हुए, विपक्षियों को लिए हुए, संसार का एक भी सुख बिना विपक्ष का नहीं, सारे विपक्ष के सहित। और ये जो मुनिराज का सुख है इसमें कोई प्रतिपक्ष नहीं है, विपक्ष कोई नहीं है, क्योंकि वो सुख अपने स्वास्थ्य से होते हैं। स्वाश्रित सुख में कोई पर नहीं है, तो पर की प्रतिपक्ष बना मैंने पर का रहित बनाए का कोई सवाल नहीं, अपराधीनता नहीं होने से उनको किसी बात की आकुलता नहीं कि वो चले जाएगा तो क्या होगा, इसका ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि वो तो स्व में है ना, और स्व तो उनके साथ हमेशा है ही, इसलिए ये कहा। और इसका फल है, अब इसके बारे में साक्षात ही बताएंगे कि इसके फल में अगली स्टेज क्या है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ये ढाल दी पढ़ लो, मैं दो पंक्तियों पढ़ लेता हूँ जैसे टाइम हो गया, पर आप लोग शुरू में आओगे नहीं तो ये लाइन हो जाएगी, तो इसलिए दो लाइन का सामान्य अर्थ बताया था। तब ही शुकल ध्यान कर चौघाति विधि कानन दयो सब लख्यो केवल ज्ञान करि भई लोक को शिव मत करि। तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी, उसी समय मुनिराज ने शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से चौघाति विधि, चार प्रकार के जो घातिया विधि माने कर्म है, चार घातिया के कर्म रूपी कानन माने जंगल, चार घातिया कर्म के जंगल को शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से क्या किया, जला दिया। जब मुनिराज ऐसे निज में चिंत निज में स्थिर हो गए, यो चिंत निज में स्थिर भय, जब निज में स्थिर हो गए तब उसी समय उन्होंने शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से चार घातिया कर्मों का नाश कर दिया। मतलब क्या बन गए, वो क्या बन गए, अरंत बन गए। 2.5 साल लग गया अपने बारे में, नहीं 2.5 साल में 1.25 साल। तो इस प्रकार से पूरा अपन चांद से चले थे निगोद से, और निगोद से चलते चलते क्या हुए, अनंत। ये मुनिराज अपने आत्मा का ध्यान कर रहे थे, और ध्यान करते करते शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से उन्होंने चार प्रकार के घातिया कर्मों का नाश कर दिया। तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी चौघाति विधि कानंदयो, और क्या हुआ चार घाती कर्मों के नाश से, क्या प्रकट हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, अनंत सुख प्रकट हुआ, अनंत वीर प्रकट हुआ, अनंत दर्शन प्रकट हुआ, चाहे सम्यक प्रकट हो गया, हुआ भी नहीं हुआ। तो केवल ज्ञान की चर्चा दूसरी लाइन में, सब लख्यो केवल ज्ञान करी, अभी इतना ही बस। क्या किया उन्होंने, सब लख्यो सबको देख लिया, सबको जान लिया, काहे के द्वारा, केवल ज्ञान कर, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति। और फिर क्या किया, भव्य लोक को शिव मत कहो, भव्य लोगों को माने भव्य जीवों को, शिव माने मोक्ष, मग माने मार्ग, भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग बताया। स्वयं ने मोक्ष की प्राप्ति कर ली, मोक्ष माने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, और अन्य जीवों को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति का उपाय उन्होंने बताया, बताया कि अपने आप उनकी वाणी खिली, अपने आप खिली, बाकी कल करेंगे।